हेलो, आई एम वैशाली। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ ऑपरेशन रिसर्च में, कॉम्प्लेक्स सेट के टॉप चैप्टर में से, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स सेट के बारे में काफ़ी डिटेल में उसका फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशंस, उसकी थ्योरम्स, उसके क्वेश्चंस मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिए थे। तो लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके, अब आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स हल जो डिपेंडेंट है कॉन्वेक्स सेट के ऊपर। तो पहले तो आप कॉन्वेक्स सेट तैयार करिए अगर आपके सिलेबस में है, और फिर आप कॉन्वेक्स हल करिएगा। ओके, कॉन्वेक्स हल एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है प्योरली थियोरटिकल टॉपिक आपको, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। ओके, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे चैनल का नाम ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय वैशाली है। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाउ लेट स्टार्ट अबाउट कॉन्वेक्स हल। द कॉन्वेक्स हल, कॉन्वेक्स हल को शो करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल सी, जिसमें ब्रैकेट में होता है एक्स। एक्स बताता है कॉन्वेक्स हल के बारे में जो डिपेंडेंट है एक्स वेरिएबल पे। ऑफ एनी गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स, एक्स एक्स रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ पॉइंट्स को, इज द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द एक्स। अब सी एक्स क्या, सी एक्स ऐसे पॉइंट्स का सेट है जो सारे के सारे पॉइंट्स कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, जिनको अगर ज्वाइन किया जाए तो ज्वाइन करने के बाद जो लाइन है वो भी उसी रीजन में मिलती है जिस रीजन में आपके पॉइंट्स हो। ओके, तो कॉन्वेक्स हल रिप्रेजेंट किया था सी एक्स से ऑफ एनी किसी गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए। कंसेप्ट ये है द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द एक्स। एक्स क्या है, सारे सेट ऑफ पॉइंट्स को कंटेन करेगा जो कॉन्वेक्सिटी की कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, इन अदर वर्ड द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल कॉन्वेक्स सेट, सारे के सारे कॉन्वेक्स सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो पॉइंट्स कॉन्वेक्स हैं कंटेनिंग एक्स। अब वो क्या है, वो है सारे पॉइंट्स एक्स जो कि सबसेट है डायमेंशनल स्पेस के, उनको हम कॉन्वेक्स हल कहेंगे। तो आप आसान लैंग्वेज में ये भी समझ सकते हो कि आपने एक रीजन लिया, उसमें बहुत सारे कॉन्वेक्स पॉइंट्स हैं, उन सारे कॉन्वेक्स पॉइंट्स को मिला के आपने एक सेट बनाया। अब वो सेट जिसके अंदर सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कॉन्वेक्स है नेचर में, तो वो आपका कॉन्वेक्स हल कहलाएंगे, ठीक है ना। इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स हल ऑफ किसके, वो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में, एंड इज डिनोटेड बाय इस तरीके से। कॉन्वेक्स हल को दिखाने का तरीका ये होता है। ओके, सिंबॉलिकली अब कॉन्वेक्स हल को कैसे समझ सकते हैं, एक्स एक ऐसा सेट है जो सबसेट है एन डायमेंशनल स्पेस का। अब एक्स इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है किसके बराबर है, इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आई। अब डब्ल्यू आई क्या है, वेयर फॉर ईच डब्ल्यू आई जो है सुपर सेट है एक्स का, एंड डब्ल्यू आई इज अ कॉन्वेक्स सेट। तो एक्स क्या है आपका, इक्वल टू है सबसेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स सेट, तो वही तो हमने कहा। और एक्स यहाँ क्या शो कर रहा है, आपका कॉन्वेक्स हल। ओके, नेक्स्ट देखिए, सिंस द इंटरसेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनी फैमिली ऑफ कॉन्वेक्स सेट्स इज कॉन्वेक्स, इट फॉलोज दैट कॉन्वेक्स हल ऑफ एक्स इज ए कॉन्वेक्स सेट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। इसकी डेफिनेशन यूजुअली एग्जाम में आ जाती है, बहुत छोटी सी ये तीन डेफिनेशंस मैंने लिखी हैं, जो कॉन्वेक्स हल, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, कॉन्वेक्स कोन या सिंप्लेक्स, इन तीनों की डेफिनेशन हम लोग कर लेते हैं। कॉन्वेक्स हल की डेफिनेशन और उसके बारे में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझा दिया है। कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन के बारे में देखिए, इफ द सेट एक्स कंसिस्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, कोई ऐसा सेट है जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हैं, द कॉन्वेक्स हल ऑफ एक्स इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। सो सबसे पहली बात, एक ऐसा सेट जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो और वो पॉइंट्स कॉन्वेक्स हल की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा हो, तो इस तरीके के सेट को हम कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स कोन, अ नॉन एम्प्टी सबसेट सी, एक सी एक सेट है लेकिन वो n डायमेंशनल स्पेस के लिए, r टू द पावर n, n डायमेंशनल स्पेस के लिए क्या है, वो सबसेट है, तो उसको हम कोन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम, वी विल से इट कोन, हम उसको कोन कहेंगे सेट c को, कब, जबकि वो ये दिखाएगा कि उसके जो पॉइंट्स हैं वो c सेट में x के, फॉर ईच एक्स एक्स इस तरीके से जो पॉइंट्स हैं वो सी में हैं, एंड लेमडाज आर ग्रेटर देन जीरो, लेमडा क्या है, पॉजिटिव इन नेचर है, द वेक्टर लेमडा एक्स, तो ये एक्स जो वेरिएबल की वैल्यूज है ये ऐसी वैल्यूज है जब वो लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रही हो और वो वेक्टर की
क्वालिटी पजेस करती हो तो इज ऑल्सो इन सी, और वो सी में हो, ठीक है। तो अ कोन इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स कोन इफ इट इज अ कॉन्वेक्स सेट। तो कॉन्वेक्स कोन का क्या मतलब है, देखिए कॉन्वेक्स कोन की डेफिनेशन में यहां दिया गया है कि सी एक ऐसा सबसेट है एन डायमेंशनल स्पेस का जिसके अंदर इस तरीके के पॉइंट्स है, जिसके अंदर इस तरीके के पॉइंट्स है एक्स, जो सी के पॉइंट्स है अगर वो लेमडा से मल्टीप्लाई हो तो वेक्टर नेचर के बन जाए, ओके, और लेमडा एक्स वाले जो पॉइंट्स हो वो भी सी के अंदर हो, ओके। तो इस तरीके के सेट को हम कोन कहेंगे। अब अ कोन इज कॉल्ड ए कॉन्वेक्स कोन, कोन को कॉन्वेक्स कोन कब कहेंगे, जब वो जो सेट एक्स है उसके सारे पॉइंट जब कॉन्वेक्स सेट की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे तो वो कोन कॉन्वेक्स कोन कहलाएगा, ओके। अब फोर्थ डेफिनेशन देखते हैं सिंप्लेक्स की। अ सिंप्लेक्स इज एन एन डायमेंशनल कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन हैविंग एग्जैक्टली एन प्लस एन वर्टाइसेस। सिंप्लेक्स क्या है, सिंप्लेक्स एक ऐसा सेट है जो कि एन डायमेंशनल स्पेस का सबसेट है और उसके जो पॉइंट्स है वो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ओके। तो इस तरीके के सेट को हम सिंप्लेक्स कहेंगे। अब एक थ्योरम देखिए, ये थ्योरम यूजुअली एग्जाम में आ जाती है, कॉन्वेक्स हल से रिलेटेड थ्योरम है, ओके। से शुरू करते हैं, पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट बताती हूं फिर हम प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम है इफ वी इज ए फाइनाइट सबसेट, ओके, V क्या है फाइनाइट सबसेट है ऑफ वेक्टर्स इन एन डायमेंशनल स्पेस, देन द कॉन्वेक्स हल ऑफ V का कॉन्वेक्स हल इज द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स इन V। तो इसका पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझिए। इसमें ये कहा गया है कि V के अंदर कुछ पॉइंट्स है, एक सेट है, ओके, लेकिन जो एन डायमेंशनल स्पेस का जो सेट है उसके वेक्टर्स का अगर सेट लिया जाए, एन डायमेंशनल स्पेस में जो वेक्टर्स हैं उनका अगर हम सेट लें तो जो V है उन वेक्टर्स का सबसेट बन जाएगा, पहली बात। देन अगर ऐसा होता है तो जो कॉन्वेक्स हल, तो V के जो पॉइंट्स हैं अगर वो कॉन्वेक्स हल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो तो इज द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स इन V। तो V में जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब का अगर वो कॉन्वेक्स है नेचर में, वेक्टर्स जो है कॉन्वेक्स हैं तो उन सब का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, V होंगे, ठीक है। ये फाइनाइट सबसेट ऑफ वेक्टर्स इन V हमें दिया गया है, और V क्या है, बी ए कॉन्वेक्स हल, ये भी हमें दिया गया, तो हमें शो करना है इज ए सेट ऑफ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन वी, ये वाला हिस्सा हमें सॉल्व करके शो करना है। सो हम लेके चलते हैं कि एस एक सेट है जिस जो सारे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स को रखता है, ओके। देन क्लियरली एस, तब एस जो है क्या है, कॉन्वेक्स सेट होगा जो कंटेन करेगा एम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन वी विच विल बी यूज, जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम ले अगर एम की वैल्यू 2 हो, ओके, तो हमारे पास दो पॉइंट हो गए, बी द टू वेक्टर्स, वो दो वेक्टर्स हैं x1 और x2 क्या हैं, दो वेक्टर्स हैं V में। अगर हम m की वैल्यू 2 लेते हैं तो a और b आप ले सकते हो, या x1 x2 जो भी ले सकते हो, ये दो वेक्टर्स हैं V में। तो x1 x2 क्या हैं, V में वेक्टर्स हैं, इसका मतलब कि वो क्या है, कॉन्वेक्स हल, V अगर कॉन्वेक्स हल है तो उसमें भी है, तो विच इज ए कॉन्वेक्स सेट, तो इसको शो कर सकते हैं। अगर ये कॉन्वेक्स सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये दो पॉइंट्स मिलके हमें इस मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन को भी सॉल्व करेंगे, जहां पे लेमडा 0 से 1 तक है, तो वो सारे के सारे किस में लाई करेंगे, V में लाई करेंगे। नाउ अज्यूम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसी तरीके का हम यहाँ पे मान लें m इंटीजर के लिए भी ये कंडीशन सही है। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल सेट ऑफ एटमोस्ट m माइनस 1 वेक्टर्स के लिए भी ये कंडीशन ट्रू है। तो मैंने एक सेट ले लिया V जिसमें x1 x2 x3 इस तरीके से सारे एलिमेंट्स है, देन जो कॉन्वेक्स हल है V का इज अ कॉन्वेक्स सेट, क्योंकि जो कॉन्वेक्स हल क्या होता है, कॉन्वेक्स हल वो सारे पॉइंट्स को अपने अंदर रखता है जो कॉन्वेक्स सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, आपको डेफिनेशन से ये तो पता चला। तो V में वो सारे पॉइंट्स होंगे जो कॉन्वेक्स सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब कोई भी आप दो पॉइंट लेके चलोगे तो उनका जो मैथमेटिकल लाइन फॉर्मुलेशन होता था, लाइन ज्वाइन उन दोनों पॉइंट से जो जुड़ने वाली लाइन थी वो भी उस कॉन्वेक्स सेट के अंदर ही होती थी, हो ना, आपको ही बताया था ना, अगर ये कॉन्वेक्स रीजन है, अगर हम दो पॉइंट लें, अगर इनसे जुड़ने वाली लाइन भी इस कॉन्वेक्स रीजन के अंदर है तो ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कॉन्वेक्स सेट के पॉइंट्स कहलाएंगे। तो कॉन्वेक्स हल क्या है, कॉन्वेक्स सेट की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है ना। तो देन V इज ए कॉन्वेक्स सेट कंटेनिंग V एंड इन पर्टिकुलर x1 से लेके kr-1 तक, अगर मैं लू kr-1 तक ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x एक सेट है इस तरीके से, x सच दैट समीशन i=1 से लेके m-1 लेमडा ixi, फॉर लेमडा इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर, समीशन i
m माइनस वन, i से लेके m माइनस वन तक लैम्डा i की वैल्यू क्या होगी, वन के बराबर अगर हो जाए तो हम इस तरीके से उसको x सेट से शो कर सकते हैं, ठीक है। बट बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस। अब मैथमेटिकल इंडक्शन हाइपोथेसिस, अब यहाँ पे इंडक्शन हाइपोथेसिस से देखिए कि s जो सेट बनेगा वो सबसेट होगा किसका, कॉन्वेक्स हल v का, ओके। सो ऑल्सो v कंटेन करता है x को एज वेल एज x टू द पावर m को, ओके। v किसको कंटेन करता है, x को भी कंटेन करता है, और v किसको कंटेन करता है, x टू द पावर m को भी कंटेन करता है, क्योंकि हमने लिया था ना, नाउ वी अज्यूम v फॉर द m इंटीजर्स, तो v x को कंटेन कर रहा है जो m माइनस वन तक है, और x m को भी कंटेन कर रहा है, देयर फॉर v कंटेन ऑल लाइन सेगमेंट, सारे के सारे लाइन सेगमेंट, तो v क्या कंटेन करेगा, सारे के सारे लाइन सेगमेंट कंटेन कर रहा है ज्वाइनिंग x m से लेकर x वन तक, ठीक है। तो उसको शो करने का तरीका ये हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू म्यू x टू द पावर m प्लस वन माइनस म्यू समीशन i इक्वल टू वन से लेकर m माइनस वन लैम्डा i x i, जिसमें लैम्डा पॉजिटिव इन नेचर होगा, और लैम्डा i वन से लेकर m माइनस वन तक वन रहेगा, म्यू भी जीरो से वन के बीच में होगा, इज ए पॉइंट इन v। तो ये ऐसा हमें एक पॉइंट मिल जाएगा v में, विच इम्प्लाइज That x is equals to summation i equal to 1 से m bi xi, जहां पे bi xi किसके बराबर है, 1 minus mu lambda i के, okay? और bm mth के लिए mu के बराबर है, for i equal to 1 से लेके m minus 1 तक। देखिए ये जो थ्योरम्स है बहुत ही आसानी से, हम आपको एक एक चीज समझा नहीं सकते, आपको ये करके आप एक बार वीडियो देखिए, एक दो बार इसको खुद राइट करिए, तो आपको हर एक स्टेप बहुत क्लियरली समझ में आएगा, लेकिन बिना प्रैक्टिस के एक बार में वीडियो देख के आप ये नहीं कह सकते हो कि हमें समझ में नहीं है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस आपको ये थ्योरम्स क्लियर नहीं। सिंस लैम्डा i की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है फॉर ईच i, और म्यू की वैल्यू क्या है, आपको पता है लैम्डा हमेशा पॉजिटिव इन नेचर लेते हैं जब हम कॉन्वेक्स सेट की बात करते हैं, म्यू जीरो से लेके वन तक वेरी करेगा, बीटा आई क्या है, पॉजिटिव इन नेचर है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल आई वन से लेके एम तक के लिए। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या बन गई, बीटा आई की म्यू प्लस वन माइनस म्यू समीशन लैम्डा आई, जो कि वन ऑलरेडी दे रखा है, किसके बराबर आ जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा, देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू समीशन बीटा आई एक्स आई इज ए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। तो बीटा आई क्या है, एक्स तो ऑलवेज बीटा एक्स क्या बन गया, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बन गया वेक्टर्स का, कौन से वेक्टर्स का, इस तरीके से वेक्टर्स का जो किसके अंदर थे, कॉन्वेक्स हल के अंदर थे। तो हमने क्या कहा, जो सेट एस था वो सबसेट किसका, कॉन्वेक्स हल का, तो वी कॉन्वेक्स हल किसके बराबर हो गया, एस के बराबर हो गया, जो हमें प्रूफ करना था। तो हम यहाँ पे थ्योरम लेके चले थे और हमें यहाँ पे शो करना था, लेट एस बी ए सेट ऑफ द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन V। तो यही हमने अभी शो कर दिया आपको यहां पे, ओके। सो आई होप कॉन्वेक्स हल का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू, गुड लक।